इस शिव मंदिर में 15 साल से आता है नाग दर्शन करने के लिए। भगवान भोलेनाथ की शक्ति में कौन नहीं परिचित है, और उनके गले में हमेशा लिपटे रहने वाले नाग के बारे में कौन नहीं जानता। भगवान शिव का नाग उनके साथ हमेशा रहता है, लेकिन आज के इस युग में ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा ही कुछ चमत्कार उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में देखने को मिलता है, जहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने एक नाग पहुँचा। वहाँ हर दिन ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक गाँव है जिसका नाम सलेमाबाद है। इस गाँव में एक भगवान भोलेनाथ का पुराना मंदिर है। इस मंदिर में पिछले 15 साल से हर दिन भगवान का दर्शन करने के लिए एक नाग आता है। यह नाग हर दिन इस मंदिर में आता है और भगवान महादेव के शिवलिंग से लिपट के उनकी पूजा करता है और कुछ देर बाद शिवलिंग के पास में जाकर बैठ जाता है। इस नाग का मंदिर में हर दिन आना, वो भी 15 साल से, ये अपने आप में ही एक आश्चर्य कम नहीं है। भगवान शिव के इस मंदिर में हर दिन सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आज तक इस नाग ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस मंदिर में आने वाले भक्त भी बड़े ही आदर से भोले बाबा के इस भक्त को देखते रहते हैं। अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि यह नाग आखिर शिव मंदिर में कहां से आता है और क्यों। 3 बजते ही चला जाता है। नाग का मंदिर में आने का एक तय समय है, जो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक रहता है। जैसे ही नाग मंदिर में आता है, इस मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, और जब 3 बजे खुलता है, तब वह गायब हो जाता है।